Everybody sing that shit. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीलेश गुप्ता और आप देख रहे हैं वर्चुअल गाय 1020, नहीं सॉरी, गेमिंग गाय 1020। मैं अपने चैनल का नाम चेंज करने का बहुत दिनों सोच रहा था, पर क्योंकि मैं 90 दिनों से पहले ही मेरा नाम चेंज कर रहा हूं, मुझे मालूम नहीं 90 डेज कब कंप्लीट होंगे, यानी कि 3 महीने, इसलिए मेरा जो चैनल का नाम है वो अपडेट नहीं हो पा रहा है और मैं बार बार गलती से गेमिंग गाय की जगह वर्चुअल गाय बोल दे रहा हूँ। चलो दोस्तों, कोई बात नहीं। तो आज हम यहाँ पर आए हैं एक नए गेम के साथ में, जिसका नाम है सिम एयरपोर्ट फ्री प्ले। तो मैंने इसे पहले खेला और कुछ ये रनवे, कुछ टैक्सीवेज, कुछ नहीं एक रनवे, कुछ टैक्सीवे, एक एयरप्लेन गेट और एक एयरपोर्ट बना दिया है। तो आइए आज हम आगे का गेम खेलकर और आगे फंक्शनिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो इस गेम्स के बेसिक यही थे कि आपको एक एयरप्लेन गेट बनाना है और एक एयरपोर्ट बनाना, रेस्ट रूम बनाना, क्योंकि अगर मुसाफिर आ गए तो उन्हें आप समझ जाइए कि एक नंबर दो नंबर करने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ करेंगे। इसलिए मुझे सबसे पहले यही चीज बनानी पड़ी जो ये देख सकते हैं आप। उसके बाद सिक्योरिटी के लिए एक मेटल डिटेक्टर, एक बैग स्कैनर, एक आईडी चेक स्टैंड जहां पर आपके पासपोर्ट वगैरह चेक होते हैं। यह है टिकटिंग डेस्क, यहाँ पर आप टिकट खरीद सकते हैं। और यह है गेट एजेंट डेस्क, आप टिकट खरीद कर यहाँ पर दिखाइए, आपका पासपोर्ट चेक करा जाएगा, टिकट चेक करा जाएगा, वीजा चेक करा जाएगा और फिर इसके बाद आप अपने एयरप्लेन में जा सकेंगे। तो सबसे पहले तो हम हमारे एयरपोर्ट पर एयरप्लेन बुला लेते हैं। तो एक्सेप्ट ऑल, दो एयरप्लेन हो गए, एक्सेप्ट ऑल 3, 5 एयरप्लेन हो गए, एक्सेप्ट 1, 6 और एक्सेप्ट 3, 8। तो दोस्तों हमारे पास 8 एयरप्लेन पहले से ही हो चुके हैं। अब देखते हैं वो एयरप्लेन कब तक आते हैं, तब तक हम अगर हमारे पास देखते हैं हमारा स्टाफ कितना है। तो हमारे पास है 3 वर्कमैन, तो हमें इन्हें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि चलिए अभी नहीं, जेनिटर्स, ये सफाई कर्मचारी होते हैं हिंदुस्तान में, सफाई कर्मचारी होते हैं, तो हम इनकी आबादी 10 कर देते हैं, क्योंकि जब लाखों करोड़ों लोग एयरपोर्ट पे से जाएंगे तब हमें सफाई की बेहद जरूरत होगी। ठीक है, वर्कमैन भी हम 10 कर देते हैं, 10। स्टाफ की तो हमें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम थोड़ा, चलिए देखते हैं हमारी पहली फ्लाइट कब आने वाली है। शेड्यूल, हमारी पहली फ्लाइट आएगी 4 AM से 5 AM के बीच में, और ये फ्लाइट शायद तक ही आएगी क्योंकि मैंने बहुत बार खेला, मैंने जब पिछली बार इसे खेला था तब फ्लाइट अपने आप आई नहीं थी उस टाइम पे। ऐसा भी हो सकता है कि ये अगले दिन के 4 AM से 5 AM के बीच में भी आ सकती है। आज day 2 ऐसे ही हो चुका है, तो देखते हैं आज हमारा प्रॉफिट कितना रहेगा। पिछले दिन का मेरा प्रॉफिट है $2,63,880। चलिए थे दोस्तों, अगला देख आगे देखते हैं। तो अब हमें कुछ बिल्ड करने की जरूरत तो नहीं है। ऑब्जेक्ट, हमें, हमारे पास टिकटिंग डेस्क कम है, तो 3 टिकटिंग डेस्क या 1 टिकटिंग डेस्क और लगा देता हूँ ताकि लोगों को परेशानी ना आए और वो मेरे एयरपोर्ट पर से कर बाहर नहीं जाएं। तो टिकट इंडेक्स, ये रही टिकट इंडेक्स। चलिए, ये हुए टिकट इंडेक्स। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो टिकट इंडेक्स है, इन दोनों का कलर डार्क है और इसका कलर लाइट है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये अभी तक बनी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लिक राइट क्लिक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑप्शन, और ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है अंडर कंस्ट्रक्शन। इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा यहाँ से दोस्तों। ये देखिए, ये जो सब वर्कर खड़े हैं, यहाँ पर एक ट्रक आएगा, ये तो बस है वैसे, ये नहीं, एक ट्रक आएगा, वो उस ये आ गया, देखो दोस्तों ट्रक, इसमें से कुछ पार्सल निकलेंगे, एक इनमें से एक आदमी इस पार्सल को उठाकर, ये देखिए दोस्तों, वर्कमैन ले जा रहा है और ला कर यहाँ पर बनाएगा। इसीलिए मैंने 10 वर्कमैन बनाना जरूरी समझे। तो हमें सिक्योरिटी एरिया भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो चलिए सिक्योरिटी एरिया बनाते हैं, ये यहां से
अरे गलती हो गई, चलिए इतना कर देते हैं उसके बाद। हाँ दोस्तों, क्योंकि मेरा माउस दिक्कत दे रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए अब फटाफट आकर हमारे जो भी हैं कंस्ट्रक्टर्स, ये हमें हमारा काम करेंगे। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इनके लिए एक छोटा सा रास्ता बना देते हैं, डेमोलिश और ये। तो चलिए ये रास्ता बन गया है लोगों के लिए, अगर ये टूट जाता है तो फटाफट लोग आ जा सकते हैं वर्कमैन, वरना उन्हें घूम कर यहाँ से होकर फिर इस गेट से बाहर होकर फिर इतना घूम कर फिर वापस से यहाँ पर आना पड़ेगा, जो कि काफी भारी काम है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वर्कमैन एक के बाद एक सारे खोखे लेके जा रहे हैं, सारे खोखे। और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सप्लाई ट्रक। अभी तक मेरे एयरपोर्ट पर एक भी आदमी नहीं। चलो फास्ट एंड फॉरवर्ड इंटू 5 स्पीड। अरे हाँ, इसमें एक फीचर और है, इंटू 1 स्पीड, इंटू 2 स्पीड, इंटू 5 स्पीड। बहुत तेज, मिल्खा सिंह की रफ्तार से दौड़ो। और ये सब बेवकूफ यहां से इस ब्लॉक से आने की वजह, ये देखिए ये आदमी तो यहीं अटक कर रह गया। और हमारे पास अभी सामान भी नहीं है हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए। अरे भाई, इस आदमी को बंद कर दिया, रो रहा है बेचारा। हो फायर फायर, नहीं नहीं करूंगा, मेरा ही नुकसान होगा। और हमें एक आदमी चाहिए, नहीं है हमारे पास एक औरत टिकट इंडेक्स के लिए। ओ यहाँ के छोड़ के चल गई साली, इसको यहाँ बिठा रखा था अच्छा खासा, साला यहाँ छोड़ के चल। इसको बताता हूँ, एक और रखता हूँ, स्टाफ स्टाफ, बस हो गया ये। तो दोस्तों सुबह की 7 बज चुकी है, और जैसा कि मैंने आपको कहा था वो प्लेन आएगा अगले 4 बजे। तो अभी संभावनाएं हैं, क्या पता किस प्लेन के आने की, मुझे मैं कह नहीं सकता कौन सा प्लेन आएगा। दोस्तों गला खराब हो गया बोल बोल कर, पर बोलूंगा जरूर। ये सब आलसी लोग काम नहीं कर रहे, क्या बात है। तू क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा, फायर कर दूं, निकालू साले नौकरी पे से, निकालू तेरे को। दोस्तों आप बताइए, क्या मैं इसे नौकरी से निकालू। आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं और इसे बता सकते हैं, वोट दे सकते हैं कि मैं इसे नौकरी पर से निकालू या नहीं निकालू। तो वो अगले एपिसोड में निकाला जाएगा सारे कमेंट्स को देखने के बाद। साला जो मेरा स्टाफ है वो हर 12 घंटे में वेजेस ले रहा है $350, सॉरी $330, जैसा कि आप देख सकते हैं। 15 सेकंड पहले, 16 सेकंड पहले, 29-30 सेकंड पहले, एक एक मिनट पहले, दो दो मिनट पहले, कितने सारे स्टाफ वेजेस मेरे पास से गए हैं। चलो खाली बसें आ रही हैं दोस्तों, फ्लाइट कब आएगी ये तो मालूम नहीं। और हमारा सप्लाई भी नहीं आ रहा है। चलिए बिल्ड फ्लो, तो दोस्तों हमारा जितना फ्लोर बना उतना तो कंप्लीट कर दे कम से कम। साले उन बना नहीं रहे मेरा वो फ्लोर। चलिए हो डिलीवरीज पर, डिलीवरीज आ ही नहीं रही है तो कैसे करे डिलीवरीज। ये आ गई डिलीवरी, ये चलिए। इतना भी कोई मजेदार वो नहीं था, वाक्य नहीं था। मेरे हिसाब से ये वर्कमैन साला आलसी है इसीलिए यहाँ पर रुक गया है। कहाँ गया, क्यों रहे, क्यों रहे, क्यों रहे, क्यों, ये बहुत टाइम पास करता है। चलिए तो 1 2 3 4 5 सप्लाइज, और एक और है 6 सप्लाइज, 7 सप्लाइज,
आर्ट सप्लाईज, आर्ट सप्लाईज ही आई हैं, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर सिर्फ 7 हैं। चलिए एक और बार गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चले, गड़बड़ इंसान से ही होती है दोस्तों, गिनती में गड़बड़ हो गई तो क्या, इतना कोई खास नहीं था। तो दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा है ये आखिर क्या हो रहा है मेरे लैपटॉप के साथ। कैन नॉट बी आउटडोर्स, ये क्या हो रहा है दोस्तों यार, कुछ भी कर रहे हैं ये लोग, कुछ भी। और मेरे एयरपोर्ट पर अभी तक एक भी आदमी नहीं आया। चलिए थोड़ा फास्ट एंड फॉरवर्ड वापस से, ये आदमी यही बेचारा यही फंस कर रह गया। और ये जगह क्या जगह है। चलिए दोस्तों कंस्ट्रक्शन का काम हमारा वापस से चालू हो चुका है। ये देखिए ये भी बन चुकी है और इसके लिए सप्लाई जानी बाकी है। आ गई, फाउंडेशन। और ये क्यों नहीं बन रहा मुझे समझ नहीं आ रहा। चलिए वो आदमी भी हमारा फ्री हो चुका है, काफी अच्छा काम करा इन्होंने। एक साथ दो काम करे दोस्तों, एक तो सबसे पहला काम इनने ये करा है कि मेरे लिए फ्लोर बना दिया, और दूसरा काम ये करा है कि इनमें से कोई एक वर्कर वह यही है जिसने जो यहाँ पर कैद था और इन लोगों ने उसे छुड़ा लिया है। तो काफी अच्छा काम करा दोस्तों। चले दोस्तों डेमोलिश मतलब हटा दिया, हट गई। अब फाउंडेशन वापस से बनाते हैं। बना दी, बना तो नहीं दी पर बन नहीं बन रही है। हमारे एयरपोर्ट पर अभी तक एक भी फ्लाइट नहीं आई, एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। तो क्या करें, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। चलिए, अरे ये क्या है, ये सारे लोग बार बार ये ओ, तो मेरे यहां पर लोग आने चालू हो चुके हैं। ये देखिए लोग आने बहुत ही अच्छे चालू हो चुके हैं। और मैंने एक गलती कर दी दोस्तों कि मेरे रनवे पर लाइट्स नहीं है। अपग्रेड रनवे लाइट्स, और लाइट सप्लाई कर दी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए। अबे ये साली कहां चली गई इस जगह को छोड़कर, सिर्फ दो ही लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। चलिए एक और वर्कमैन को काम पर लगाते, स्टाफ स्टाफ। चलिए आ गई वापस काम पर, आ गई, वरना मैं इसे फायर कर देता। कर दू क्या, कर दू क्या, छोड़ दान दो, मेरा ही नुकसान है। तो दोस्तों अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमें एक टिकटिंग डेस्क की जरूरत पड़ने वाली है, तो जल्द से जल्द मैं उसे बना देता हूँ। टिकटिंग डेस्क, टिकटिंग डेस्क, एक और टिकटिंग डेस्क, एक और टिकटिंग डेस्क, बस। अभी तक हमारा कोई भी पैसेंजर हमसे नाराज नहीं है। चलिए एक टिकटिंग डेस्क तैयार हो गई, उस पर हम स्टाफ अलॉट कर देते हैं, हो गया। एक और टिकटिंग डेस्क तैयार हो गई, इस पर भी स्टाफ अलॉटेड, इस पर भी स्टाफ
लोटेट। दोस्तों हमें एक टिकट गेट जो भी है, गेट टेबल या गेट चेक पता नहीं क्या, एक बार देख लेते क्या है। गेट एजेंट डेस्क ये एक और लगानी है जल्द से जल्द, वरना ये मेरा काम बिगाड़ सकता है। तो गेट एजेंट डेस्क, गेट एजेंट डेस्क, गेट एजेंट डेस्क, वेयर आर यू, वेयर आर यू, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रही गेट। ये देखिए दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं मेरे एयरपोर्ट पर लोग गुस्सा हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा मत हो यार, गुस्सा तो मत होकर जाओ, अभी तुम्हारी सब कुछ पूरा करता हूँ ना। ये देखिए मैंने जो पहली देर आग बोला था वो यही है, आग आग। ओ शिट, मेरे पास सिर्फ एक ही आईडी चेक स्टैंड है, तो उसे भी मुझे फटाफट बनाना पड़ेगा एक। अरे नहीं यार, कैंसल प्रोजेक्ट, आर घुमाया अब लगाया, बिल्कुल। और स्टाफ को मैं 10 पर लोड कर देता हूँ। चलिए एक और स्टाफ वर्कर 10। दोस्तों मेरे पास 10 स्टाफ वर्कर तो हो चुके हैं, एक और चाहिए। दोस्तों लगता है हमें हमारा सिक्योरिटी एरिया थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग गुस्सा होकर जा रहे हैं। ये आउटडोर क्यों दिखा रहा है मुझे पता नहीं इसके बारे में। और ये यहाँ पर फाउंडेशन नहीं बना रहे, पेंस भी नहीं लगा रहे, डेमोलिश तो कर दो भाई मेरे। चलिए अगली फ्लाइटों को देखते हैं, कौन कौन सी फ्लाइट आने के लिए तैयार है। एक भी फ्लाइट आने के लिए तैयार, एक है, चलिए उसे एक्सेप्ट कर चुके हैं हम। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ की पब्लिक बहुत ज्यादा ही पागल है, कि ये टिकटिंग डेस्क खाली है, ये टिकटिंग डेस्क खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, पर इन सब पागलों को एक ही जगह से टिकट लेनी है और गुस्सा मेरे से हो रहा है। तो इसमें मेरी क्या गलती है, इतनी सारी सारी डेस्क खाली है, इन सबको एक ही पैसे लेनी है, तो मेरी कोई गलती है क्या? जाओ घर जाओ और तारा की डेस्क। फाउंडेशन बनाने पड़ेगी दोस्तों, बार बार मेरे पैसे फाउंडेशन में ही कट रहे हैं, पर फाउंडेशन बन नहीं रही है, क्या करा जाए। ये देखिए फिर से वही बना के चल गए सब दीवार, कैन नॉट बी आउटडोर। अब मैं करूं तो करूं क्या, क्लियर करने की देर थी। चलो दोस्तों ठीक, अच्छा हुआ। अब मुझे यहाँ पर टाइल्स लगानी है, और इससे पहले कि मेरी अगली फ्लाइट, देखते हैं अगली फ्लाइट कोई सी है क्या आने के लिए तैयार। नहीं, और इन फ्लाइट्स को तो टाइम ही नहीं है, हमारा एयरपोर्ट, फिलहाल इंटरनेशनल नहीं है, इसीलिए। चलिए अब इस जोन को भी हम सिक्योरिटी जोन बना देते हैं, ये हो गया हमारा सिक्योरिटी जोन। अब हम यहां पर भी ऑब्जेक्ट्स, बैक स्कैनर, एक बैक स्कैनर और दो बैक स्कैनर, दूसरा बैक स्कैनर भी हमने लगा दिया है। तो हम अब लगाते हैं मेटल डिटेक्टर, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड, चलिए मजाक छोड़ते हैं, मेटल डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर। और हमें चाहिए होगा फिर से कुछ स्टाफ, और ये स्टाफ मेरा इधर कहाँ भाग रहा है, पता नहीं कहाँ भाग रहा है। मैं जितना स्टाफ बना रहा हूं उतना ये इधर लोग आ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सब मुझे पता नहीं।
और टिकटिंग डेस्क और लगा देता, आईडी चेक डेस्क, सॉरी टिकटिंग चेक, ये रही आईडी चेक डेस्क, दो यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, बस तो दोस्तों यहाँ पर मेरा स्टाफ अलर्ट कर देते हैं, ये लीजिए अलोटेड अलोटेड, ये फिर से इधर आ लगता, मेरा स्टाफ प्लेन में बैठ कर के कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, कहाँ कहाँ क्यों भाई कहाँ, चलो इसका पीछा करते हैं और देखते हैं आखिर जा कहाँ रहा है, इसे साफ करो भाई साफ करो, अरे तुम नहीं तुम तो मुंह तो दोस्तों लगता है यहां पर भी मुझे जरूरत है एक और डेस्क की, तो फटाफट एक डेस्क लगाता हूं, गेट एजेंट डेस्क, एक और गेट एजेंट डेस्क, ओके ठीक है, और आईडी चेक स्टैंड पर कोई है नहीं, कहां गए मेरा सारा स्टाफ, अच्छा सिक्योरिटी, ओ शिट मैं तो एकदम भूल ही गया था, मैं स्टाफ को लगा रहा था पर यहां सिक्योरिटी लगेगी हर जगह, तो चलिए दोस्तों हमारा काम तो हो गया, मैंने फालतू ही स्टाफ को बनाया, पर ये चीजें नहीं बनी, कहां है मेरा सामान नहीं आया क्या, देख सकते हैं दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, ये सब इन सब लोगों को देखिए, सब ने सफाई अच्छे से करी है, इन सबको प्रमोशन करना था पर प्रमोट करने कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ फायर करने का है, तो फायर तुमसे करना है नहीं, आगे देखते हैं। लगता है कोई याद कर रहा है, चलिए करने दीजिए याद, हम आगे गेम खेलना चालू करते हैं, दोस्तों इमेजिन करिए अगर, अरे रुक जा भाई, अगर प्लेन्स में भी कार जैसी बैक लाइट्स और बैक रिवर्सिंग ट्यून होती तो कैसा होता, टेने नए 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 अलग अलग टाइप की टून्स बहुत सारी होती है, अब क्या बता है, ओ शिट इनको भी असाइन करना है, असाइन और एक और को इसे भी असाइन करना है, असाइन असाइन, चल असाइन हो चुके सब, 5 into speed भाई, अब देखते कितने लोग मुझसे गुस्सा होकर जाते हैं, अब दोस्तों मेरे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले तो इस इतने एक्स्ट्रा एरिया को हम किचन एरिया में बदल देते हैं, तो किचन, और दोस्तों हम एक मेन बात तो भूल ही गए, लोगों का कंफर्ट, तो बेंचेस 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 बेंचेस, चल और ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, कनेक्ट्स टू ग्राउंड अंडरग्राउंड कन्वेयर सिस्टम फॉर एन ऑटोमेटेड बैगर सॉल्यूशन, बैगेज सॉल्यूशन इंडोर ओनली, चलिए दोस्तों से यहाँ लगा के लगेगा, चलिए किचन एरिया में सबसे पहले हमें चाहिए किचन सिंक 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 किचन सिंक, तो वेयर इज द किचन सिंक बेबी, एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं एक महीने के लिए तो बाहर जा रहा हूँ मेरे गांव यूपी, पर आने के बाद हर दिन आपको GTA 5 के नए गेम प्ले की वीडियोस देखने को मिलेगी,
क्योंकि मैं वहां पर जा रहा हूँ और मेरा लैपटॉप मेरे साथ नहीं रहेगा। वहाँ लाइट तो है पर मेरा लैपटॉप मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊंगा। और मैं सोच रहा था कि वहां पर बैठे बैठे बोर होने से अच्छा मैं क्लैश रॉयल्स की वीडियो अपलोड करूंगा। तो अगर मुझे वहां टाइम मिल जाता तो मैं क्लैश रॉयल की वीडियोस अपलोड करूंगा। मैं उसमें अभी फिलहाल 5th उसमें हूँ। ये चलिए पिज्जा वन मिल गया, मैं वो तो नहीं मिला पर पिज्जा वन मिल गया। ओके पिज्जा वन। अब सिंक, पर किचन सिंक कहाँ है दोस्तों? अभी भी जो पब्लिक है उसे मेरी सर्विस अच्छी नहीं लग रही। अब और क्या मैं कर सकता हूँ इनके लिए, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। चलो बाकी फ्लाइट्स को भी थोड़ा टाइम देते हैं। एक्सेप्ट आ जाइए भाई। मॉर्निंग आप। किचन सिंक भी लगा दिया है। और क्या चाहिए हमें? चलिए देखते हैं। पिज्जा वन। ओके किचन सिंक नहीं है, वो सिर्फ सिंक है। कैंसिल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं किचन सिंक क्या होता है आखिर। दोस्तों आपको क्या, आपको मालूम है किचन सिंक कैसा होता है? चलिए अब कॉमन सेंस थोड़ा यूज कर ही सकते हैं क्योंकि एक किचन है तो यहाँ पर कुकर की जरूरत पड़ेगी। सही। और देखते जाते हैं देखते। और कॉफी मेकर की भी पड़ सकती है। और नीचे आते जाते हैं आते जाते हैं आते जाते हैं आते जाते हैं। किचन सिंक तो दिख नहीं रहा दोस्तों, सिर्फ एक ही लिखा हुआ है ये। अब क्या टॉयलेट थोड़े लगाएंगे यहाँ पे? चलिए दोस्तों इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में हम किचन कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वर्चुअल गाय 1020।